फ्रेंड्स सारो कैसे मैं अभी मटन बिरयानी करना चाहता हूँ। अभी देखो मैं अभी ऑयल डाल दिया। ऑयल आपको 150 ml डालिया। ऑयल सनफ्लावर का ऑयल है, बहुत मज़ा रहा था ऑयल। अभी मैं इसमें बे लीफ ऐड करूँगा। अभी थोड़ा गर्म हो गया। ऑयल गरम होने के बाद बे लीफ डालना पड़ता है। बे लीफ डालने के बाद प्याज भी डालना, चिन्नमन कड़म क्लोव होगा, क्लोव इलायची ये सब भी डालना का बाद डालना है ना, गोश्त काला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम प्याज डालने के बाद वो ऐड करना पड़ता है। वो थोड़ा अच्छा बॉयल करना। देखो अभी बस अभी मैं प्याज डाल डाले फ्रेंड। अभी मैं प्याज डाल को अच्छा ये करना, अच्छा प्याज अच्छा ब्राउन होने के बाद वो अभी मैं घी ऐड करता हूँ। घी एक स्पून डाल लो, तुम्हारा छोटा स्पून है ना, एक स्पून वो वाला एक स्पून डाल लो, बहुत मज़ा रहता है घी डाले को। घी डालना ना डाल लो, घी डालना पड़ता है ना, खाना पकाना लास्ट एंड में घी डालिए को बहुत अच्छा रहता है। मैं अभी डालता हूँ थोड़ा प्याज में सभी पकड़े को थोड़ा मज़ा रहता है, इसलिए मैं घी अभी डालता हूँ। अभी मैं थोड़ा नमक डालना पड़ता है। नमक डालिए को जल्दी बॉयल हो रहा, अच्छा फ्राई होगा, ब्राउन लस होता है प्याज। देखो अभी वो थोड़ा होने के बाद देखो घी ऐड कर डालिए, बहुत मज़ा रहता है। इसमें तुम्हें ऐड करना वो क्लव चिन्नमन कार्डमन है ना, वो सभी ऐड कर डालना। वो दाल चाहिए पहले दाल डालिया, मैं वही पाकत डालिया, क्लव इलायची दाल डालिया। देखो वो भी आपको ये चाहिए ना, पेपर भी डाल लिया, बहुत मज़ा रहता है वोल पेपर। अभी मैं थोड़ा अच्छा फ्राई होना, ये 10 मिनट अच्छा फ्राई होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट अच्छा फ्राई होने के बाद अभी मैं कटिंग कर टोमेटो देखो धनिया पत्ता भी ये भी पुदीना भी कट कर कर गया, द घी भी है। ओके गैस अभी मैं चावल भी पानी में डाल कर रख दिला। अभी सैलड भी रेडी कर रहा, वो भी कटिंग कर कर रख दें। कुकुम्बर आनियन ये टोमेटो ये सभी डाले, चिल्ली एंड लेमन ऑल्सो वो भी ऐड कर कर रख गया, बहुत मज़ा रहता है ऐसा गया को भाई। इसमें रायता भी डाले को आपको पसंद है। अभी देखो मैं प्याज का अच्छा ये कर रहा। देखो अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल डालिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट तुम्हारा मर्जी है कितना भी डाल लिया, थोड़ा ज़्यादा डालेगा मज़ा रहता है। देखो ये अच्छा है, थोड़ा बॉयल होना है, अच्छा है थोड़ा ब्राउनलेस होगा बिरयानी भी, अच्छा मज़ा रहता है बिरयानी। प्याज ऑनियन ब्राउनलेस होना अच्छा। ओके यस देखो अभी थोड़ा ढक्कन डाल के भी छोड़ लिया, अच्छा बॉयल जल्दी हो जाता। देखो अभी मैं गोश्त डाल डालिया, कुकिंग हो गया। अभी गोश्त डालने के बाद ये 1 किलो का चावल है, बासमती का जई का है, बहुत मज़ा रहता है, लंबा लंबा रहता है। अभी इसलिए मैं 1 किलो का गोश्त डालिया, मैं बहुत मज़ा आता है। गोश्त भी मटन है। देखो थोड़ा मैं 8 मिनट अच्छा कर डालिया, ये थोड़ा मज़ा वो भी अच्छा कुकिंग वाला है। ये भी 10 मिनट थोड़ा रखना पड़ता है, 10 मिनट में अच्छा कुकिंग होना कि ना, मटन है ना थोड़ा जल्दी बॉयल होना होगा, नहीं थोड़ा लेट होगा, इसलिए वो 15 मिनट 20 मिनट उसमें रखना पड़ता है। अभी मैं धनिया पत्ता भी ऐड कर लिया उसमें से, क्या क्या है सभी दाल को छोड़ डालना। अभी मैं धनिया पत्ता डालता, धनिया भी पुदीना भी मिक्स करके वो भी डालता हूँ। ये देखो ओके गैस देखो मज़ा रहूँगा खाना भी। धनिया पत्ता पुदीना पत्ता जरूरी चाहिए तमिलनाडु की बिरयानी, वही नहीं ना टेस्ट नहीं आता है। ओके गैस देखो अभी रेडी हो गया। अभी मैं अच्छा ऐड करता हूँ, थोड़ा अच्छा बॉयल होना है। वो होने के बाद वो थोड़ा टोमेटो डालना पड़ता है उसमें साथ। अभी टोमेटो भी डाल लिया। ओके फ्रेंड्स देखो अभी ऐड कर डालिया। अभी अच्छा थोड़ा ये करको मिक्स कर, अच्छा वेरी वेल मिक्स करको। अभी मैं टोमेटो ऐड करता हूँ। देखो टोमेटो डाल डालिया, टोमेटो स्लाइस टाइप है। देखो टोमेटो भी अच्छा मिक्स करको, थोड़ा ये भी 2-3 मिनट टमाटर अच्छा मिक्स करना है। फिर आपका मर्ज़ी का लेमन एक डाल डालिया, लेमन एक अच्छा वो लेमन रहेगा वो भी ऐड कर लिया। लेमन डालना पड़ता है बिरयानी में, लेमन रायता भी ज़रूरी डालना है। नहीं हमारे फ्रेंड्स बोले रायता नहीं चाहिए, लेमन पक्का डाले बोल को लेमन डालिया। देखो अभी लेमन भी डालना पड़ता है और कट कर डाला लेमन, उसका अंदर सीड्स रहेगा वो निकाल देना है बीज। देखो अभी अभी मैं लेमन भी अच्छा काट डाले, ये भी वो भी जूस हो गया। देखो वो अभी लेमन ऐड कर दा, एक लेमन है वो दो स्लाइस है ना, अभी वो भी ऐड कर डाले लेमन। ओके फ्रेंड्स, देखो अभी मसाला है, बिरयानी मसाला है, अभी ऐड करना चिली पाउडर से भी। ओके अभी पेपर है, ये पेपर थोड़ा डालना पड़ता है, पेपर डालेगा अच्छा था, होल पेपर वो पहले डालना है, थोड़ा फर्गेट हो गए इसलिए अभी पेपर डालना पड़ता है। पेपर डालेगा थोड़ा तेज़ रहता है, खाना भी अच्छा रहता है। फिर मसाला पाउडर ऐड करना है, चिली पाउडर कितना आपको 3 स्पून चाहिए, 3 स्पून का मैं 5 ग्राम ऐड करिए चिली पाउडर। फिर कोरिएंडर पाउडर एक 7 ग्राम या इसको 3 स्पून डालना कोरिएंडर पाउडर जरूर ज़्यादा डालना है इसमें। देखो अभी मैं 7 ग्राम डाल लिया कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पाउडर, चिली पाउडर डाल डाला, धनिया पाउडर भी डाल डालिया। अभी ये थोड़ा मिक्स करना है थोड़ा। अभी इसमें जीरा पाउडर भी डालना पड़ता है, जीरा पाउडर एक स्पून डाल लो, 5 ग्राम वो भी 5 ग्राम डाल लो, जीरा पाउडर डालना पड़ता है अच्छा, वो भी ऐड कर लो। फिर बिरयानी मसाला है ना, वो भी डालना है, बिरयानी मसाला पाउडर है को डाल लो। ये बस है आपको, हम ये हमारा दोस्त बोलिया बोल को मैं डालिया, बहुत मज़ा आता है। देखो अभी डाल लिया, अभी बिरयानी मसाला डालना है। अच्छा मसाला को अच्छा पकड़ना है गोश्त में, इसलिए आप 15 मिनट उसमें छोड़ना है। अभी बिरयानी मसाला डालता हूँ, बिरयानी मसाला 5 ग्राम ऐड कर लो। देखो बिरयानी मसाला भी डाल डाले। ओके फ्रेंड्स, देखो रेडी हो गया, यही है तरीका। अभी ये इसमें मैं एक गरम मसाला पाउडर डालना है, गरम मसाला एक उससे कम डाल लो, एक 4 ग्राम डाल लो, 3 ग्राम 5 ग्राम भी डाल लें उसके लिए गरम मसाला। देखो गरम मसाला मैं ऐड कर लिया, देखो वो भी अच्छा मिक्स करवा, एक 15 मिनट अच्छा छोड़ डालना, उसको छोड़ डालना। देखो अभी छोड़ को एक 15 मिनट तुम्हें अच्छा पकड़ना उसमें, गोश्त में ये सब भी अच्छा पकड़ना, इसलिए एक 15 मिनट 20 मिनट छोड़ देना उसमें। फिर नॉर्मल का पानी ऐड करको तुम रेडी करको। अभी मैं 15 मिनट सभी देखना होगा नहीं आपको, बहुत लंबा वीडियो हो जाऊँगा, इसलिए मैं चावल धुला रहा हूँ। चावल भी धोला करते हैं, देखो चावल अच्छा धोना है, 3-4 बार धोना है, थोड़ा मज़ा रहता है। पानी में डाल कर रख देना चावल पहले से, कभी ये स्टार्टिंग करते हो तो चावल में पानी डाल कर रख डालना एक आधा घंटे। देखो अभी मैं बंद करके रख डालिया, अभी वो चावल भी धोकर रख डालिया, अभी बंद करके एक 15 मिनट और रखना पड़ता है। अभी पानी डालता हूँ मैं, 1.5 ग्लास का 2.5 ग्लास का चावल डालिया, 1.5 ग्लास आधा 1 किलो डालिया, उसमें तुम्हें फ़र्क रखो। इसमें मैं एक 5 ग्लास पानी डालता हूँ। ओके गैस, कि ना गोश्त है ना, वो गोश्त अच्छा पकड़ना ना, इसलिए पानी थोड़ा 5 ग्लास डालता हूँ। ओके गैस, अभी देखो ऐड करता हूँ, 2 दाल डालिया, 4 हो गया और 5 हो गया, 5.5 हो गया। ओके अभी ये अच्छा तेज़ करके छोड़ कर रख डालना, थोड़ा अच्छा बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद चावल ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, अभी चावल मैं ऐड करता हूँ, अभी पानी भी उबल गया, अच्छा पानी ये हो गया, गर्म हो गया, अभी पानी निकालने होगा पता, चावल रख डालना। चावल एक मीडियम फ्लेम में रखो, बंद करके छोड़ डालना, थोड़ा एक बार बीच में एक बार बकल खोल कर एक ये करके छोड़ डालना, फिर दम डाल कर छोड़ डालना। ओके फ्रेंड्स, यही है ये पेपर दम बिरयानी है, बहुत अच्छा मज़ा रहता है। क्या करना रहता है जगह इसे, ये आपको अभी फैमिली में बनाते हैं। अभी मैं वो अंगार रखना ना, वो ये सब रेडी करना, उसलिए अंगार नहीं है, इसलिए हमको पेपर आइडिया था, पेपर में करना पड़ता है, पेपर में दम करें, बहुत मज़ा रहता है। मैं कैसा बोलकर पेपर में दिखाता हूँ आपको, गरम पानी रखो ऊपर, अच्छा थोड़ा गरम पानी रखो ऊपर भी अच्छा बॉयल हो जाता, अच्छा खाना भी मज़ा आता है। अभी ये लेवल में नमक एक देख लेना, नमक कम में रहना, कम नमक ऐड कर लो। ओके गाइस, अभी मैं चेक करता हूँ नमक क्या होगा। चेक कर, चलो ये चेक कर, नमक नमक नहीं पता चला तो तुम चेक कर। अभी ना देखता हूँ नमक होगा ये लाइन में कि ना बाइल होना को पता देखना होगा नहीं चावल, इसलिए ये टाइम में हमें देख लेना। गरम पानी बोल दो, ठंडा पानी बोलता है, नमक डालना पड़े, थोड़ा मज़ा आता है। नमक कितना टेस्ट बनाया कोई, नमक ज़रूरी है। नमक थोड़ा वो बिरयानी बेकार हो जाए, नंबर मेन जगह। अभी नमक ऐड करता हूँ, पत्थर का नमक है गए। अभी नमक ऐड कर दे रहे हैं, अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। अभी फायर ये करके मीडियम करके छोड़ दे रहा हूँ, भी लगन होगा। ओके, अभी ये सही तरीका है। अभी देखो अभी को पेपर में वो भी लगा लिया, अभी पेपर भी लगाओ, वो भी बंद करोगे, स्लीम में रखा देना। अभी सुपर से रहूँगा, अभी आपको दिखा दो। यही है, एक 10 मिनट 15 मिनट रखना पड़ता है दम में, बहुत ज़्यादा। यही तरीका कैसा रखा जाए, ऊपर गर्म पानी है, बहुत मज़ा आता है। ऐसा करो, देखो अभी मैं हो गया, रेडी हो गया, 15 मिनट हो गया। ओके, अभी देखो ये पेपर है, ये पेपर में हटाओ, देखो मस्त बिरयानी आ गया। ऊपर में थोड़ा धनिया पत्ता का, पुदीना पत्ता का भी गार्निश डालता है, थोड़ा अच्छा रंगा, देखने भी अच्छा रंगा, खाने का भी बहुत मज़ा आता है। बहुत सुपर से रहा खाना, बहुत मज़ा था, अच्छा, बहुत टेस्टी था खाने के टाइम। मैं भी दिखाता हूँ आपको खाने के टाइम में, देखो कैसा है, देखो बिरयानी का शक्ल, देखो बहुत मज़ा आया, देखो। हाँ देखो, अभी मैं गार्निश भी डाल डाला, धनिया पत्ता, कोरिएंडर, ये पुदीना का पत्ता भी डाला, धनिया एंड कोरिएंडर लीव्स, आई विल बी ऐड द गार्निश। ओके गाइस, अभी देखो ऐड कर डाला। आपको घी चाहिए ना, घी ऊपर से डाल लो, मैं पहले घी डाल डाला, इसलिए घी ज़्यादा नहीं चाहिए, चलो घी डाल लिया। ओके गैस, देखो अभी देखो फ्रेंड्स, अभी देखो मटन पीस, देखो अभी कैसा रहता है मटन पीस। अभी देखो देखो बहुत मज़ा था, बहुत जूसीफुल था। देखो मटन पीस, देखो यही है अड्डा मटन, सभी मिक्सिंग था, गोश्त सभी मिक्सिंग, बहुत अच्छा था खाना भी। आप भी ट्राई करो घर में। ओके, डोंट फॉरगेट मिस्टर फ्रेंड्स। ओके गैस, अभी लाइक करो, शेयर करो, वैसे मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सभी फॉलो करो फ्रेंड्स। अभी देखो अभी मैं सर्विस करता हूँ, आप भी आओ खाएंगे, बहुत मज़ा रहता है। देखो देखो सर्विस करता है हमारा दोस्त है, वो बिगर का, देखो कैसे करते हैं, देखो सर्विस बहुत मज़ा आता है। देखो पीस, देखो बड़ा बड़ा पीस था, बहुत मज़ा था, आप भी ट्राई करो घर में। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के टाइम में मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ फ्रेंड्स, सब फुल सपोर्ट करो। ओके, टेक केयर, बाय 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 बाय।